हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ श्वेता, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। So, अभी हम देवरा का ट्रेलर करने वाले हैं एंड हमें पता है हम लेट रिएक्शन दे रहे हैं क्योंकि हमारे घर पे गणपति बप्पा आए हुए थे तो हम बिजी थे उसमें। तो अभी कल विसर्जन हुआ है तो आज हम फ्री है तो कोई लेट है पर फिर भी हम रिएक्शन करेंगे, देखेंगे। और तो अभी हम क्या करेंगे, तेलुगु में भी इसी वीडियो में रिएक्ट करेंगे और हिंदी, सो दोनों ट्रेलर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं तेलुगु, या लेट्स वॉच इट। అసలు ఎవరు వాళ్ళంతా, కులం లేదు మతం లేదు భయం అసలే లేదు, ధైర్యం తప్ప ఏమీ తెలియని కళ్ళల్లో सारे भयम परलो कम्मुकुन्नाई। साना पेद्द कद सामी, रक्तंतो संद्रमे इरुपिक्किन कथ, मा देवर कथ। मनिषिकी बतिकेंत धैर्यं चालु, చంపేంత ధైర్యం కాదు కాదు కూడదు అని మీరు మళ్ళీ ఆ ధైర్యాన్ని కూడగలిగితే ఆ ధైర్యాన్ని చంపే భయాన్నైతా। నువ్వు ఉన్నంత వరకు ఈ కొండ మీద నీ మట్టి దేవరా, దేవరను చంపాలంటే సరైన సమయమే కాదు సరైన ఆయుధం దొరకాల। చూడు పిల్లతనం పిరికితనం ఆడుతూ ఎట్టాగే కొంపతీసి బరిలోకి దిగుతావైంది। ఏం మాట్లాడుతుంటావు, చంపేస్తాను నన్ను। ఆడికి అలయ్య రూపం వచ్చింది కానీ రక్తం రాలేదే। పని మీద పోయినోడైతే పనభంగానే తిరిగి వస్తాడు, పంతం పట్టిపోయి ఉన్నాడు నీ కొడుకు। దేవరా సంద్రం ఎక్కి 2 ఏళ్లు గడిచిపోయి ఉంటాయి। తెరిచిన సముద్రంలో చూసిందే కనపడుతోంది। భయం మరిచి ఎప్పుడైనా తప్పుడు పని కోసం సంద్రం ఎక్కితే ఈ రోజు నుంచి మీకు కానరాని భయం అవుతా ఉందా? अब हिंदी में देखते हैं। मजा आएगा। अब हिंदी में डायलॉग्स पता चलेंगे। चलो देखते हैं। या आखिर कौन थे वो लोग? ना जात ना धर्म, डर जरा सा भी नहीं। जिन आंखों ने धैर्य के सिवा कुछ नहीं देखा था, आज पहली बार डर से भरी हुई थी। उन सबको किसने मारा? बहुत लंबी कहानी है, खून से समुंदर को लाल कर देने वाली कहानी, हमारे देवरा की कहानी। आदमी में बस जीने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को मारने की नहीं। अब अगर तुमने फिर से ये करने की हिम्मत की, मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। जब तक तू यहाँ है हम तेरा कहा मानेंगे देवरा। देवरा को मारने के लिए सिर्फ सही समय ही नहीं, सही हथियार भी मिलना चाहिए। खाला सीधा साधा बिल्कुल बुद्ध हुए कैसे बनेगी? क्या तू संग्राम में लड़ने की सोच रहा है? अरे क्या बात कर रहे हो, मुझसे नहीं हो पाएगा। अपने बाप से सिर्फ उसकी शक्ल मिलती है, हिम्मत जरा भी नहीं। अगर काम पे गया तो काम होते ही लौटा था। वो अपनी जिद पूरी करने गया है। देवरा को समुद्र पर गए हुए 2 साल बीत चुके थे। जो मैंने समुद्र के अंदर देखा वो अभी भी मेरी आंखों के सामने है। अगर इस डर को पार करके समुद्र पे गलत काम करने कोई उतरा आज से एक अंधे का डर बनूंगा। भाई तो डबल रोल है, बाप और बेटा। बेटा थोड़ा ऐसा है वो, मतलब यू कैन नॉट टेक अ रिस्क और एनीथिंग, बट यू नेवर नो ना कि क्या हो सकता है यार। तो ये पार्ट 1 है तो बहुत मस्त स्टोरी होने वाली। पार्ट 1 पार्ट 2 ये बहुत, और स्पेशली लास्ट सीन में तो भाई ऐसा बोलते ना, पॉज हो गया। समुंदर वाला जो जितना भी सीक्वेंस बताया ना बहुत, क्योंकि एक टाइम पे था ना नीचे हड्डियां दिख रही है और जैसी वो शक्ल दिखाते जूनियर वो म्यूजिक, बहुत कड़क म्यूजिक है, इतना मस्त लग रहा था वो म्यूजिक। और जो मेरे को लगता है देवरा ही शायद आएगा में, जो नहीं ऐसा मुड़ के अंदर हाथ में, भी वही लग रहा है देवरा ही होगा वो। ये मस्त लुक बहुत, पीछे आग लगी और आगे ऐसा खड़े है दो तलवार लेके। अगर जितने डब्बे में देखो ना देवरा के हाथ में 2 तलवार, हमेशा 2 हथियार होता है, राइट एब्सोल्युटली, क्योंकि वो एक छोटा भी देखा है बड़ा, बट यहाँ पे लोग प्लान कर रहे हैं उससे मारने के लिए। सैफ का जो कैरेक्टर है वो प्लान कर रहा है देवरा को, बट सैफ का भी रोल बहुत अच्छा है, तो ये देखना है ना। तो क्वेश्चन इज ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में खाली सैफ विलन है कि दोनों पार्ट में सैफ विलन रहेगा या पार्ट 2 में नया विलन आएगा मूवी में, मतलब तभी पता चलेगा जब हम। और ये 2 पार्ट वाला है ना, वो एंड देखने में बहुत मजा आया कि एंड में कुछ ऐसा सस्पेंस छोड़ेगा ना कि पार्ट 2 के लिए लोग तड़पेंगे। पार्ट 2 के लिए तड़पेगा एक्चुअली एब्सोल्युटली, बट अमेजिंग, बहुत बढ़िया एकदम। लाइक ये सोच नहीं सकते थे, हमने हमेशा उनके छोटे-छोटे ग्लिम्स देखे हैं पहले बीच में। लेकिन फर्स्ट वाला जिसमें आया था पूरा मून कंप्लीट करते, वो भी हमें दिखेगा ना इसमें। और इधर इसमें वो बोलते ना वो फिश क्या डॉल्फिन जिसके ऊपर बैट के शार्क ही लग रही थी डॉल्फिन, वो हाथ से चाबू भी एकदम से फटाक करके। चलो अब वेट करेंगे, ज्यादा दिन नहीं बचे, 27 को रिलीज होने वाली मेरे ख्याल से, तो थोड़ी दिन की बात है। तो तब तक के लिए बस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।